पढ़ेंगे मैथ्स, डिसेंडिंग ऑर्डर और ये असेंडिंग। क्लास सेकेंड का मैथ्स पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आप मतलब समझेंगे। ओके, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको पहले असेंडिंग समझा दूं, ठीक? तो क्या होता है, बड़े से छोटे, ठीक है? बड़े बड़ा, तो मैं नंबर दे छोटे से बड़ा, ठीक? तो सबसे पहले आप समझिए, के सबसे पहले कौन बताएगा असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है बच्चों, सारा प्रीति बताएगी। ओ प्रीति, यस सर। असेंडिंग ऑर्डर सर पहले आप समझा दीजिए, मैंने समझा ही नहीं असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, नंबर पहले? नहीं नहीं वो जो आपने सर बॉल्स बनाई है पहले वो समझा दीजिए। छोटी बॉल में हम क्या करते हैं, छोटा नंबर तोड़ते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो फिर नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं। जैसे छोटे से बड़ा, जैसे बॉल छोटे से बड़ा, जैसे नंबर भी छोटे से बड़ा। ओके सर, एक आप एग्जांपल लेके दिखाइए, एक नंबर का एग्जांपल। ओके, सर एक बार उसको समझा दीजिए। ओके, डू यू नो बॉल्स इज स्मॉल बिग? ओके, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सर इसका मतलब कि जो सबसे सेटिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। हाँ ओके सर, मैं समझ गई। इससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके सर, मैं समझ गया, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर समझा दीजिए। बच्चों कौन सी चॉक लेनी है? मेरे पास येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। सर आप ग्रीन लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में होता है सर, आप कलर कर रहे हैं? समझ कहाँ होगा फिर तुम लोगों को, बॉल के क्या है? ओके, बड़े से छोटा होता है। तो सर इसका मतलब अपोजिट होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा होता है। यस yes। तो ऐसे बड़े, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। सर एक एग्जांपल लेके दिखाइए। ओके, सबसे पहले सर मैं बताऊँ सबसे पहले क्या आएगा? यस सर। ओके, पूरा बताना। ओके सर, मैं बोर्ड में आके लिख दूँ आंसर? यस। ओके, तो पहला इसका आंसर होगा 20, फिर होगा 10, फिर होगा 9, फिर होगा 4। सर मैंने कर दिया, अच्छा कर लीजिए, लीजिए सर। सर आंसर बताइए। ये भी करें, ये भी करें। यस, तो मैंने समझ लिया आखिरकार असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अच्छा तो सर आप असेंडिंग ऑर्डर के कुछ दो क्वेश्चन दे दीजिए और डिसेंडिंग ऑर्डर के दो क्वेश्चन दे दीजिए। ओके, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब मैं आंसर।
तो सबसे पहले होगा ये टू और फिर होगा फोर, फिर होगा टेन, फिर होगा टू। पहले छोटा नंबर टू, फिर फोर, फिर है उससे बड़ा सर टेन है और उससे बड़ा ट्वेंटी है और उससे बड़ा टू नहीं टू हो चुका है नाइनटी नाइन या करेक्ट सर आपकी राइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही। ओके दिस इज सर इसको आप भी सॉल्व करिए। ओके दिस इज अ ओके सबसे पहले सर ने लिखा टेन नो सबसे पहले टेन आएगा सर सबसे पहले सर टेन सॉरी नो इलेवन सर ने लिखा फिर अरे साइड हटिए सर को दिख रहा है। ओके सर मैं समझ गई मैं सर इसको कॉपी में लिख लूँ यस सर लिख लिया आपको लिखने के 2 मिनट 3 मिनट मिलेंगे दस फाट सर लिख लिया डन एवरीवन यस ओके तो बच्चों ये आपका होमवर्क है और ये मैथ्स सर ने आपको होमवर्क दिया है बाय बाय स्टूडेंट।